ओके सो आज अपन क्या करने वाले हैं। आज ऐसी चीज करने वाले हैं जिससे आपको लाइफ में लोड होने वाला है। नहीं 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 होने वाला है। आओ देखते हैं, क्या तुम लोग में से किसी के पास डीमैट अकाउंट है? कितने लोगों के पास डीमैट अकाउंट है? शायद मुझे आगे जरूरत पड़ सकती है। और उसमें से कितने लोगों के पास ऑपरेशनल फ्यूचर ऑप्शंस का भी अकाउंट है? वी मे यूज इट वाइल डूइंग द चैप्टर्स लाइक डेरिवेटिव्स, या ऐसा कोई चैप्टर करवाते वक्त मैं तुम लोग को यूज करवा दूं। तुम लोग में से किसके पास एक म्यूचुअल फंड का अकाउंट है? आई थिंक हार्डली कोई, बहुत कम लोगों के पास होगा। जैसे इंड मनी है, उसमें एक होता है म्यूचुअल फंड्स का, आप लोग अच्छा उसमें कर सकते हो, पोर्टफोलियो बना सकते हो। कूल, काफी सारे लोगों के पास है। प्रांजल बोल रहा है कि सर मेरे पास है बट मैंने यूज नहीं किया है। तो डोंट वरी, हम है ना, श्री गणेशाय करवा देंगे आपका, डोंट वरी, राइट। सो अब यहाँ पे प्रांजल से अपन लोग एक उसको आज अपने को एक इंस्पिरेशन देना है कि भाई आजा, चल यार मैदान में, फाइनेंशियल मार्केट सीख रहा है, इतना तेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है। तू बोल रहा है यार अब मैं बनेगा इंडिया का अगला राकेश झुंझुनवाला, और एक डीमैट अकाउंट नहीं है। चल आजा यार मैदान में, क्या बोलता है पब्लिक? यस यस, ग्रो ऐप है, काफी सारे ऐप्स है। सो आई थिंक नाउ ऐप की वजह से एवरीथिंग इज इजी। अपस्टॉक्स है, जीरोधा है, उसमें अगर फ्यूचर ऑप्शन वाला भी होगा तो वो भी एक्टिवेट करवा देना, करवा दूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा, है कि नहीं? एफएनओ है बट कभी किया नहीं। ओके नो प्रॉब्लम। सो एफएनओ ट्रेडिंग करना चाहोगे क्या मेरे साथ? बोलो, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, बट अगर करना है तो मुझे बताना। मतलब जब मैं तुम लोग को सिखाऊंगा ना ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शंस, जब मैं तुम लोग को डायरेक्ट फ्यूचर्स तो नहीं करेंगे, फ्यूचर्स तो थोड़ा बड़ा गेम है, उसमें बड़ी ऊंच नीच हो सकती है, बट ऑप्शंस मैनेजेबल है। मतलब होगा भी नुकसान तो इतना चुभेगा नहीं, हो जाएगा मैनेज। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मतलब इधर अब तो मैं तो अपने इस पे बैठा हूं, मैंने प्रैक्टिकली जब SFM पढ़ा था ना, जब मैं CA फाइनल में था, ट्रस्ट मी मैं एक्चुअली ट्रेडिंग करता था ऑप्शंस का, ये वो, तब जाके एक फील आता था। एंड आई एम डूइंग इट फॉर लास्ट व्हाट 10 to 15 years। एंड मेरा आर्टिकलशिप का पैसा आता था, उसी आर्टिकलशिप के पैसे में से थोड़ा साइड पे रखता था, थोड़ा स्टॉक लेता था। वो स्टॉक लेने के बाद जानबूझ के मैं एक एक दो दो शेयर लेता था कंपनी के, सो दैट मुझे AGM के लिए बुलाया जाए। फिर मैं एक दो कंपनी के AGMs में जाता था, रिलायंस का बॉम्बे में ही होता था, सो रिलायंस के AGM में गया हूँ मैं, और दो तीन कंपनीज के AGM में गया हूँ, जस्ट टू सी, बोलते हैं ना, वो एक प्रैक्टिकल फील लिया है मैंने। फिर बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग किया है मैंने, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में मैंने ट्रस्ट में बहुत पैसा कमाया, और उसके बाद इतना ओवर कॉन्फिडेंस आया मुझे कि, पर ठीक है, अगेन इन्वेस्ट भी उतना ही किया था कि मैनेजेबल हो। सो वो सब एक्सपीरियंसेस आई एम श्योर तुम लोग भी यू करना चाहोगे, एंड मेरे को बहुत मजा आएगा अगर अपन लोग वैसे करें तो। एंड अच्छा ही है ना, मतलब प्रैक्टिकली सीखते भी जाओगे, बाकी तुम्हारी इच्छा, जो बुक में है वो सब तो मैं पढ़ा ही दूंगा, तो प्रैक्टिकली ट्रेडिंग भी करना है तो मुझे बोलना, मतलब मेरे से बड़ा उस चीज का कोई कीड़ा किसी को नहीं है। सो मजा आ जाएगा, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि एडिक्शन नहीं लाना, बिकॉज कुछ टाइम बाद तुम लोग का एग्जाम है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। सो सीखने पुरता अपन लोग कर लेंगे, सीख ले उतना कर लेंगे अपन, एंड उसके बाद एग्जाम के बाद जितना तुम लोग को करना है करो ना, अपन लोग साथ में इनफैक्ट बैठ के रिसर्च करके एनालाइज करके इन्वेस्ट करेंगे। किसने मना किया? मैंने तुम लोग को बोला भी कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जितना मैं सिखाता हूं उतना खुद सीखता हूं, उससे ज्यादा तो सीखता हूं मैं, सो दैट रियली इज हेल्पफुल। बैंक निफ्टी जिंदाबाद, आई टोटली अग्री विद द मिस्टर तेजस। AGM के लिए शेयर्स लिए पर गई नहीं, तो जा जा। ओके सो चलो, सो ये डील रहा ना तुम लोग का, तुम लोग के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे को करना है, तो डेरिवेटिव्स के टाइम पे इनकेस मैं भूल जाऊं तो तुम लोग मुझे याद दिला देना कि सर थोड़ा एक दो ट्रेडमार्क के देखते हैं ना क्या सीन चल रहा है, एंड वी विल डू इट, ठीक है। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सो अब अपने पास है यहाँ पे प्रांजू। प्रांजू बोल रहा है कि सर मेरे पास डीमैट अकाउंट ही नहीं है, या डीमैट अकाउंट है बट सर ट्रेडिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो सर प्लीज मेरे से ट्रेडिंग करवाइए। तो चलिए आइए एग्जाम्पल लेते हैं प्रांजू का। प्रांजू दोषी इज आर, चलो पक्का डील बोल दिया सब लोग ने, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मिस्टर थिरानी पक्का डील तो बोल रहे हैं, बट मिस्टर थिरानी रेगुलर है नहीं लाइफ पे, तो मुझे नहीं लगता है किस एक्सटेंड तक थिरानी जी आएंगे, बट ठीक है। चिरायु फड़के वेलकम भाव।
कूल। सो अब अपन एग्जांपल ले रहे थे मिस्टर प्रांजल का। प्रांजल शेयर्स खरीदना है, प्रांजल बोल रहा है डेफिनेटली सर। अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं, प्रांजल क्यों इतना एक्साइटेड हो गया। सो प्रांजल आज थोड़ा बहुत उसको लगा कि यार SFM के लेक्चर में चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है, तो उसने अपने घर पे इकोनॉमिक टाइम्स सब्सक्राइब करवाया। जैसे ही उसने इकोनॉमिक टाइम्स सब्सक्राइब करवाया, 2-3 दिन आया न्यूज़पेपर पढ़ने में अच्छा लगा। उसने उसके एक दिन देखा कि यार RBI गवर्नर हाइक्स द रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, और उसको याद आ गया अपना फर्स्ट लेक्चर। बराबर प्रांजल, इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है तो कौन सा सेक्टर का शेयर बढ़ेगा? प्रांजल नॉक नॉक, कौन है? बराबर है, इंटरेस्ट रेट हाइक किया है RBI ने, बोला है कि भाई आपकी आज की तारीख में किसी को अगर लोन लेना है बैंक से, देन इन दैट केस आपको 5% के जगह 7% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो कौन से कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ने का चांसेस है? अब ऐसा नहीं है मैंने बोला कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो से कौन। हाँ करेक्ट प्रांजल। अरे देखो प्रांजल को पता भी है, प्रांजल बोल रहे सर FMCG IT सेक्टर का प्राइस बढ़ेगा। तो ऐसा सीधा जाके उस दिन देखना मत कि अरे IT का सेक्टर का प्राइस बढ़ना ही चाहिए, और भी बाकी मैक्रो फैक्टर्स भी होते हैं, प्राइमरी मैक्रो फैक्टर ये है। बराबर है, प्लस कई बार क्या होता है एक एक्सपेक्टेशन पहले से ही बन जाता है। RBI गवर्नर हिंट दे देता है कि भाई 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ने वाला है, तो जैसे ही वो हिंट देता है ना तो मार्केट ऑलरेडी उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। तो जिस दिन एक्चुअल में वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उस दिन शायद कई बार इंपैक्ट दिखता भी नहीं, क्योंकि उसके पहले ही फैक्टर इन कर लिया है मार्केट ने। ऐसा भी कई बार होता है। तो ये आपको ओवरऑल सब सिनेरियो देखना पड़ता है, तब जाके आप मार्केट एक्सपर्ट बनते हो। राइट, अभी अपन लोग तो एक एक पहलू देखते जा रहे हैं। तो जैफा मैंने प्रांजल को पूछा कि भाई प्रांजल, आज ही RBI के गवर्नर ने बोला है कि इंटरेस्ट का रेपो रेट बढ़ गया है, मार्केट में इंटरेस्ट महंगा होने वाला है। तो प्रांजल ने एक सेकंड में दिमाग लगाया, बोला कि सर इसका मतलब डॉलर महंगा होगा, डॉलर महंगा होगा मतलब एक्सपोर्ट जो भी करते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वो कंपनी की तो चांदी है, तो सर IT सेक्टर और फार्मा सेक्टर इंडिया में काफी एक्सपोर्ट होता है, तो क्यों ना IT सेक्टर और फार्मा सेक्टर का शेयर लिया जाए। मैंने बोला एकदम सही बोला प्रांजल, तू अब तुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है, डीमैट खुलवाना है, खुलवाना है तेरे को डीमैट? प्रांजल बोल रहा है यस सर, सर मैं भी ट्रेडिंग करूंगा, मैं बनूंगा इंडिया का अगला राकेश झुंझुनवाला। सो इस थॉट प्रोसेस के साथ प्रांजल ने बोला कि भाई चलो हम भी इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। तो प्रांजल अभी IT सेक्टर का शेयर्स लेने जा रहा है, बात हुआ ना अपना, बात हुआ कि नहीं? सो प्रांजल IT सेक्टर में कौन सा वाला कंपनी चूज करेगा बेटा? ए बेटा ये तेरा अड्डा आपसे। सो IT सेक्टर में कौन सा कंपनी चूज कर रहा है प्रांजल, बता तो जरा हम लोग को भी। यस क्या बात है, इंफोसिस द फेवरेट, इंफोसिस है, TCS है, कॉग्निजेंट, बहुत सारी कंपनीज है, HCL। सो ओके पब्लिक बोल रहा है इंफोसिस से चालू करते हैं सर, फेमस भी कंपनी है और करीब है दिल के। चलो सो इंफोसिस का शेयर लेने के लिए गए हमारे प्रांजल भाई। बराबर, मार्केट में उसने देखा कि इंफोसिस का शेयर मिल रहा है ₹100 में। कितने में मिल रहा है प्रांजल? ₹100 में। बराबर है, अब प्रांजल क्या करेगा अगर उसको इंफोसिस का शेयर गया चाहिए, तो वो क्या करेगा? नारायण मूर्ति को कॉल करेगा क्या? नारायण मूर्ति अन्ना प्लीज गिव मी सम शेयर्स ऑफ इंफोसिस? नहीं, वो क्या करेगा, सेकेंडरी मार्केट में जाएगा और सेकेंडरी मार्केट से बाय एंड सेल करेगा। बराबर है, बट अगर आप सेकेंडरी मार्केट से बाय एंड सेल करना चाहते हो, देन इन दैट केस कोई एक बीच में इंटरमीजियरी होगा, वो इंटरमीजियरी के थ्रू आप बाय एंड सेल करोगे। जैसा अभी अपन लोग ने देखा, तुम लोग बोल रहे थे, कोई बोल रहा है कि सर मेरा ग्रो ऐप पे है, मैंने बोला मेरा सिफर, किसी ने बोला जीरोधा, अपस्टॉक्स, राइट, अलग अलग यहाँ पे, ये सब कौन है? ये सब बेसिकली इंटरमीजियरीज है विच फैसिलिटेट द सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन बिटवीन प्रांजल एंड इंफोसिस। सो प्रांजल तेरे को इंफोसिस का शेयर चाहिए, खरीद सकता है, बट बीच में कौन बैठा है? कौन बैठा है बीच में? करेक्ट, बीच में बैठा है कोई इंटरमीजियरी। सो प्रांजल वो इंटरमीजियरी के पास अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाएगा। बराबर प्रांजल, एंड देन फिर बात है इंफोसिस के शेयर मार्केट का जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से खरीद लेगा। प्रांजल ने देखा कि मार्केट में इंफोसिस का प्राइस चल रहा है 100। बराबर है, तो प्रांजल तेरे को खरीदना है? प्रांजल बोलता है यस सर मेरे को एक शेयर खरीदना है सर, सर मैं एकदम सर ज्यादा रिस्की आदमी नहीं हूं,
थोड़ा थोड़ा रिस्क लूंगा सर। और आपने जैसा बोला ना, मेरे को भी एजीएम में जाना है, तो एक शेयर में मेरा काम हो जाएगा। मैंने बोला नो प्रॉब्लम। तो उसने देखा कि मार्केट का प्राइस बीएससी एनएससी वो सब तुम लोग ने देखा होगा, कभी तो सीएनबीसी पे चल रहा होता है, 100 रुपए का प्राइस चल रहा है इंफोसिस का। उसने इमीडिएटली अपने ब्रोकर को कॉल किया और बोला एक शेयर इन्फोसिस का मेरे डीमैट अकाउंट में ले ले। तो एक शेयर इन्फोसिस का है, उसके डीमैट अकाउंट में आ गया और उसका डीमैट अकाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है 100 रुपीज ऑफ शेयर टेकन। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रांजल के जेब से कितना पैसे जाएंगे, कितना पैसा जाएगा इन्फोसिस का शेयर लेने के लिए? अब बोलोगे सर सीधी सी बात है ना, 100 रुपए का शेयर है तो उसके जेब से 100 रुपया जाएगा। 100 रुपया ही जाएगा क्या? मैं आपको पूछता हूं, आपको क्या लगता है? यस यस एवरीबॉडी एवरीबॉडी, करेक्ट करेक्ट। तो सब लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि सर 100 रुपया तो जाएगा ही, बट उसके साथ कुछ ब्रोकर, ये बीच में जो इंटरमीजरी है, इंटरमीजरी क्या कर रहा है भाई? और तो पापड़ बेलने के लिए थोड़ी आया है, फटाके फोड़ने के लिए थोड़ी आया है। वो ये ट्रांजैक्शन करवा रहा है, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लग रहा है, वो अपने से ही ब्रोकरेज लेगा ना, कमीशन लेगा एवरीबॉडी, ऐसा नो? करेक्ट। सो यहाँ पे ये जो मेरा इंटरमीजरी है या मेरा जो बीच में खर्चे लगते हैं, वो भी तो मैं प्रांजल से ही लूंगा। सो प्रांजल को मैं कॉल करके बोलूंगा भाई 100 रुपया तेरा इंफोसिस का हुआ, प्लस 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 तुझे है ना ब्रोकरेज बोल, कमीशन बोल, अदर चार्जेस बोल, ये सब भी देना पड़ेगा एट द रेट 5% ऑफ जो भी उसका शेयर का प्राइस है, विच इज ₹5। सो टोटल कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट प्रांजल के लिए कितना हो जाएगा? इट विल बी ₹1,05। एवरीबॉडी अग्रीज विद मी? यार एवरीबॉडी अग्रीज विद मी, यस और नो? यस सर, यस सर। ओके डन 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 डन। ओके ओके ओके। एंड प्रांजल अब सोच रहा है कि सर इंफोसिस का शेयर तो खरीद लिया, बट अब उसको लग रहा है कि सर आपने बोला था इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, तो बैंकिंग स्टॉक कम हो जाएगा। तो सर मेरे पापा का डीमैट अकाउंट है, मेरे पापा के डीमैट अकाउंट में है ना बैंक के शेयर्स पड़े हैं सर, अभी का भी बेच देता हूं, अभी का भी बेच देता हूं। सो यहाँ पे प्रांजल जाता है अपने बैंकिंग कंपनी के शेयर्स बेचने अपने पापा के। कीर्तिमान बोल रहा है सर यूजुअली ब्रोकरेज तो ऑन सेल ऑफ शेयर्स के टाइम इंकर होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, परचेज पे भी होता है, सेल पे भी होता है। कुछ कुछ ब्रोकर्स उसको अपना एज अ कॉस्ट बेयर करके बोलते हैं कि आप मत पेयर करो, आप मत पे करो, चलेगा। बट ऐसा नहीं है कि खाली सेल पे होता है, सेल परचेज दोनों पे होता है। और मैं बोल रहा हूँ कैसा है बताए क्या, ये रेगुलेशंस के ऊपर है। कभी कभी सेबी रेगुलेशन लाती है कि भाई लगेगा ही नहीं ना परचेज पे, ना सेल पे, या कुछ भी। अपने को जब पढ़ाई करनी है ना, अपने को होलिस्टिक पढ़ाई करनी है, तो मेरे को तो ऐसे पढ़ा रहा है तुम लोगों की परचेज पे भी लगेगा, सेल पे भी लगेगा, हर 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 एक चीज मुझे कवर करनी है। फिर बाद में मार्केट में जो भी चल रहा है उस हिसाब से अपन उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब अपन ए बी सी डी चारों चीजें पढ़ लेंगे। अब मार्केट बोलते हैं नहीं ए और बी एप्लीकेबल होगा, ठीक है हमारे को आता है। कल मार्केट बोलेगा नहीं सी और डी एप्लीकेबल होगा, हमको वो भी आता है। कल मार्केट बोलेगा नहीं ए बी सी डी चारों एप्लीकेबल होता है, हमको वो भी आता है। तो मुझे जब पढ़ाना है ना कीर्तिमान, तो मैं होलिस्टिकली पढ़ाऊंगा, भले ही एग्जाम भी हो, अपने को पढ़ना है, फिर उसको एग्जाम करना है तो एग्जाम करूं, मुझे पता होना चाहिए क्या है। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस। चलो सो अब कहां पे था मैं, प्रांजल सोच रहा है कि यार मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब अगर मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, देन इन दैट केस पापा के पास बैंकिंग स्टॉक पड़ा है। वो इमीडिएटली प्रांजल पापा को फोन करता है, पापा पापा प्लीज बैंकिंग स्टॉक बेच दो, देखना आप मेरी ये जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं आपको बहुत काम आएगा। पापा ने बोला ठीक है बेटा, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू बेटा। सो HDFC बैंक का शेयर है हमारे प्रांजल भाई के पास, प्रांजल के पापा के पास। सो HDFC का शेयर अब वो मार्केट में बेचने जा रहा है, एंड वो एक शेयर है 100 रुपीज का। क्या बात है, 100 रुपीज का। बट प्रांजल बोलता है पापा के, पापा एक ही शेयर बेचो, पापा मुझे डर लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, मुझे आइडिया नहीं है। बोलते नो प्रॉब्लम बेटा, बेच दिया मैंने। सो पापा की प्रांजल के पापा ने उसके ब्रोकर को फोन किया, उनके ब्रोकर को फोन किया और बोला कि भाई वैचिनाक बेच दो, एक HDFC का शेयर वैचिनाक बेच दो। ओके सो ये बोल दिया उसके पापा ने। हमारा जो इंटरमीजरी था ग्रो ऐप अपस्टॉक्स जो भी उनके
ब्रोकर थे उन्होंने बेच दिया। जैसे ही बेचा मेरे अकाउंट में मेरे पास पैसा आ जाना चाहिए, यूजुअली T+2 days के बाद आता है, मतलब जब आपने ट्रांजैक्शन किया टी ट्रांजैक्शन प्लस 2 days के बाद रिफ्लेक्ट होता है। बट अभी अपन अज्यूम करते हैं ऑन द स्पॉट हो रहा है, अपन ऑन द स्पॉट पैसे आ रहे हैं, तो क्या प्रांजल के पापा के बैंक के अकाउंट में जो उन्होंने 100 रुपए का शेयर बेचा है उसका पूरा का पूरा 100 रुपए का शेयर उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा? यस एवरीबॉडी, पूरा 100 रुपया आएगा। यस एवरीबॉडी, प्रांजु आया क्या पापा के अकाउंट में 100 रुपया? देख तो जरा कितना आया, फिर समझ रहे हो, समझ रहे हो? ए जवाब दो, जवाब दो रे, सब लोग सो रहे क्या? प्रांजु बोल रहे नहीं आया। ओ क्यों ऐफा, ऐफा क्यों, कितना आया, कहाँ गया पैसा? केस कर देंगे अपन, प्रांजु तू टेंशन मत ले। अच्छा अरे सर केस वेस कहा, आप इतना एक्साइट हो रहे हो सर, ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा सामने वाला, अभी आपने बोला ना पापड़ बेलने के लिए थोड़ी है, तो वो भी तो लेगा ना कुछ ब्रोकरेज। अच्छा एफा, ओके ओके ओके, एफा है क्या? सो यहाँ पे जब प्रांजल के पापा ने शेयर्स बेचे तो बेचे तभी भी तो ब्रोकरेज या अदर चार्जेस लगेगा ना पब्लिक, राइट और रॉन्ग? से फॉर एग्जाम्पल दैट इज ₹3, से दैट इज ब्रोकरेज इज एट द रेट 3% एंड ₹3 मेरा ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस लग रहा है। सो कह रहा है इससे मैं जब सेल करने को गया तो सेल वैल्यू 100 में से 3 माइनस करके मुझे मेरे जेब में कितना आया, मुझे मेरे जेब में आया 97, मुझे मेरे जेब में आया 97। क्या सब लोग को ये चीज समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी सब लोगों को पूछ रहे हो क्या सब लोगों को ये चीज समझ में आ गई? कुछ लोगों को पता था, अच्छी बात है, कुछ लोगों को नहीं पता था, आई एम श्योर अब लोग आपको खर्च समझ में आ गया होगा। तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं यहाँ पे कंक्लूजन के, एक इन्वेस्टर के एंगल से अगर मैं देखता हूं, एक इन्वेस्टर के एंगल से अगर मैं देखता हूं, तो जब वो शेयर्स परचेज करता है, जब वो शेयर परचेज करता है, देन इन दैट केस कैन आई से उसको परचेज कॉस्ट प्लस ब्रोकरेज लग रहा है, प्लस ब्रोकरेज लग रहा है, और जब ये बंदा सेल करता है तो कहना इससे उसको सेल्स प्राइस माइनस ब्रोकरेज का कॉस्ट लग रहा है, ये उसके अकाउंट में आता है। एवरीबॉडी अग्रीज विद मी और नॉट? एवरीबॉडी अग्रीज विद मी? सब लोग ने अग्री करना है बिकॉज सब लोग ने, अपन लोग ने इसको प्रूव कर दिया है, क्रॉस प्रूव कर दिया और ये यहाँ पे दिख रहा है एवरीबॉडी, यस और नो? यस सर, यस सर, ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, सब लोग को ये चीज समझ में आ गई है, बहुत बहुत उमदा, बहुत बहुत बढ़िया। अब ऑपोजिट आ जाओ, अब ऑपोजिट आ जाओ, ऑपोजिट आ जाओ मतलब अब म्यूचुअल फंड में आ जाओ, अब म्यूचुअल फंड में आ जाओ। अब म्यूचुअल फंड भी क्या करता है, कैन आई से यूनिट होल्डर्स को यूनिट बेचता है, यूनिट होल्डर्स को यूनिट बेचता है, तो यूनिट होल्डर्स को क्या बेचता है, यूनिट सेल करता है, वो भी कौन, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जो यूनिट होल्डर यूनिट खरीद रहा है बेसिकली वो इन्वेस्टर है, बेसिकली वो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर कभी भी कोई चीज खरीदता है तो परचेज कॉस्ट प्लस ब्रोकरेज पे करता है, और जब भी कोई चीज बेचता है तो सेल प्राइस माइनस ब्रोकरेज कट के नेट उसके अकाउंट में आता है। अब यही वाइस वर्सा करो, अगर समझो आप खरीद रहे हो इसका मतलब म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, इफ इन्वेस्टर इज परचेजिंग मींस, अरे बोलो यार, इफ इन्वेस्टर इज परचेजिंग मींस म्यूचुअल फंड इज सेलिंग। लॉजिक समझे क्या? इफ इन्वेस्टर इज परचेजिंग, उसका दूसरा मतलब यही हुआ ना, इट मींस इफ इन्वेस्टर इज परचेजिंग इट मींस म्यूचुअल फंड कंपनी इज सेलिंग बेसिकली, बराबर है, इज सेलिंग यूनिट्स, करेक्ट। सो यहां पे जब आप परचेस करते हो तो आपको कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा इंकर करना पड़ता है ब्रोकरेज का, बराबर है। तो से फॉर एग्जांपल जब म्यूचुअल फंड यू कंपनी सेल करेगा, जब म्यूचुअल फंड कंपनी अपना यूनिट सेल करेगा, जब म्यूचुअल फंड कंपनी अपना यूनिट सेल करेगा तो वो उसका सेल प्राइस क्या होगा, कहना इससे परचेज कॉस्ट प्लस ब्रोकरेज
प्लस ब्रोकरेज। अच्छा कितना ब्रोकरेज लगा, तो हमने देखा अगर परचेज कॉस्ट 100 रुपया है प्लस 5% ऑफ 100 रुपीज जो उसका कॉस्ट था, सो कैन आई से सेल प्राइस म्यूचुअल फंड के लिए हो गया 105, बराबर है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी बोलता है कि ये जो आप लोग ने लिखा है ना सेल प्राइस इज इक्वल टू परचेज कॉस्ट ऑफ शेयर, परचेज कॉस्ट ऑफ शेयर प्लस ब्रोकरेज परसेंटेज ऑन परचेज कॉस्ट, कॉस्ट क्या इसको भी सेल प्राइस ऑफ यूनिट्स, क्या इसको अपन एफए लिख सकते हैं क्या, कि भाई सेल प्राइस ऑफ यूनिट्स ये एज इट इज रहेगा, मतलब सेल प्राइस ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू परचेज कॉस्ट ऑफ यूनिट। परचेज कॉस्ट ऑफ यूनिट कितना था अपने केस में, क्या ना इससे इट वॉज रुपीज 100 यार, इट वॉज रुपीज 100 प्लस प्लस ब्रोकरेज लग रहा था। म्यूचुअल फंड कंपनी बोलता है हम लोग ब्रोकरेज की जगह पे वर्ड यूज करेंगे लोड, वर्ड यूज करेंगे लोड, क्या वर्ड यूज करेंगे लोड। एंड दूसरा वो क्या बोल रहा है पता है क्या, यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है ना अब वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है, तो हमने इसको नाम दिया एंट्री लोड, हमने इसको नाम दिया इस ब्रोक कुछ नहीं है ब्रोकरेज ही है, ब्रोकरेज को नाम क्या दिया एंट्री लोड, ब्रोकरेज को नाम क्या दिया एंट्री लोड। तो एंट्री लोड कितना है प्लस 5% ऑफ 100 बेसिकली। सो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि भाई ये जो मेरा परचेज कॉस्ट है क्या ना इससे मेरे म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में तो ये नैव होता है, तो बेसिकली बेसिकली सेल प्राइस ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू नैव प्लस एंट्री लोड, प्लस एंट्री लोड परसेंटेज ऑफ नैव, या इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बेसिकली नैव 1 प्लस एंट्री लोड परसेंटेज, या बस मैथमेटिकली थोड़ा खेला हूं मैं, क्या मैं आप लोग के परमिशन के साथ ऐसा लिख सकता हूं क्या। सो सेल प्राइस ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू एंट नैव प्लस नैव इंटू 1 प्लस एंट्री लोड परसेंट, ए समझू बोले तो। अरे बोलो समझे क्या, यस धनंजय देखो डिराइव किया है, डिराइव किया है किधर से, डिराइव किया है कहां से, चालू किया था प्रांजल से, प्रांजल को खरीदना है, प्रांजल को शेयर खरीदना है, उसका परचेज कॉस्ट उतने से ब्रोकरेज से बढ़ जाएगा। अगर प्रांजल को खरीदना है मतलब सामने वाले को बेचना है, जब म्यूचुअल फंड, अब अपन लोग तो म्यूचुअल फंड कर रहे हैं चैप्टर, तो अपने को तो हर चीज म्यूचुअल फंड के एंगल से देखनी है, तो इन्वेस्टर खरीद रहा है मतलब बेसिकली अपन म्यूचुअल फंड है, अपन बेच रहे हैं, तो अपन जब भी बेचेंगे तो ब्रोकरेज ऐड करके बेचेंगे, ब्रोकरेज का टर्म दिया है लोड, और ये ब्रोकरेज किस पे कैलकुलेट होता है, जो अपना परचेज कॉस्ट है उसके ऊपर, परचेज कॉस्ट बेसिकली नैव होता है यार, अरे बोलो नैव होता है ना परचेज कॉस्ट, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो यहाँ पे नैव प्लस एंट्री लोड परसेंटेज ऑफ नैव। तो क्या मैं आप लोग के परमिशन के साथ सेल प्राइस ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू नैव इंटू 1 प्लस एंट्री लोड लिख परसेंट लिख सकता हूँ, आप लोग सब लोग ने कंफर्म कर दिया, ये सब लोग ने कंफर्म नहीं किया यार, मतलब मैं वापस से पूरा समझाऊ क्या, वरना सब लोग कंफर्म करो आराम से देख लो और कंफर्म करो, और अगर ये समझा है क्या बात है, प्रांजल को समझ गया मतलब आई एम श्योर सबको समझ गया होगा, मतलब प्रांजल के पास तो डीमैट भी नहीं है ना, तो उसके लिए तो ये सब एकदम नया नया है, तो उसको समझ गया तो यार बराबर है, सब लोग समझ गए। तो उल्टा मुझे बताओ ना, उल्टा रिलेशन, उल्टा रिलेशन मतलब जब इन्वेस्टर सेल करेगा, इन्वेस्टर सेल करेगा तो कहना है इससे म्यूचुअल फंड यूनिट क्या करेगा, जब इन्वेस्टर सेल करेगा, इन्वेस्टर सेल कर रहा है सेल ऑफ इक्विटी शेयर, तो अपन ने देखा कि प्रांजल के पापा ने बैंक एचडीएफसी बैंक के शेयर को
बेच दिया, जब प्रांजल के पापा ने HDFC बैंक के शेयर को 100 रुपये में बेचा तो अंकल के पास 2 रुपया कट के 2%, किसका 2%? 2 × 100, किसका 2% कटा? ये जो परचेज कॉस्ट था, ये जो मेरा परचेज कॉस्ट था, इसका 2% कटा, समझे क्या? सो कहना इससे प्रांजल के पापा के पास तो नेट 98 रुपीज ही आया जब उन्होंने सेल किया, तो जब इन्वेस्टर सेल कर रहा है तो कहना इससे इसका मतलब, जब इन्वेस्टर सेल कर रहा है तो इन्वेस्टर सेल कर रहा है मतलब म्यूचुअल फंड हाउस के एंगल से देखोगे तो इन्वेस्टर सेल कर रहा है मतलब म्यूचुअल फंड हाउस क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है, इसको कहते हैं रीपरचेज। पहले आपने सेल की, आप म्यूचुअल फंड के एंगल से सोचो, पहले आपने यूनिट सेल किया होगा, अब आप उसको रीपरचेज कर रहे हो। इन्वेस्टर सेल करता है मतलब आप रीपरचेज करते हो। ट्राई करोगे क्या खुद से इसका फॉर्मूला बनाने का? ट्राई करो, आया तो ठीक, नहीं आया तो तुम्हारा भाई तो है ही। प्लीज ट्राई करो ना, 2 मिनट लेके। स्टार्ट एवरीबॉडी, वेटिंग फॉर यू फॉर 2 मिनट्स। क्या बात है यार, क्या बात है! पब्लिक इधर आंसर दे रहा है यार, पब्लिक फॉर्मूला डिराइव कर रहा है यार, स्मार्ट पब्लिक मिला है मेरे को यार। सीरियसली तुम लोग किलर लोग हो, तुम लोग यार खुद फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो, तुम लोग मान गए यार, तुम लोग को सुपर, मतलब अब तुम लोग का फॉर्मूला देख के मैं बना रहा हूं, तुम लोग सिखा रहे हो यार। रिफंड चाहिए पैसा, फीस चाहिए रिफंड यार, इतना मस्त पढ़ा रहे हो तुम लोग मेरे को। परफेक्ट यार, परफेक्ट, सब लोग का आंसर एकदम करेक्ट है। तो सर यहाँ पे जब म्यूचुअल फंड कंपनी रीपरचेज करेगा, भाई लोग डिराइव कर रहे हैं, भाई लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, भाई लोग को मान दिया, सम्मान दिया। सो अगर म्यूचुअल फंड कंपनी रीपरचेज करेगा तो 100 रुपए की जगह पे उसको तो उतना पूरा पैसा नहीं मिलेगा। सो कहना इसे यहाँ पे अपन लोग लिख देंगे कि अगर उसने रीपरचेज किया तो रीपरचेज प्राइस क्या होगा? तो रीपरचेज प्राइस क्या होगा भाई? तुम्ही ने बोला है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। रीपर्चेज प्राइस होगा नैव। सर अपने लिए तो नैव ही अपना माई बाप है, नैव ही अपना सेल है, नैव ही अपना है, माइनस लोड परसेंटेज ऑफ नैव। अगर वो एंट्री लोड था तो यहाँ पे यूनिट होल्डर एग्जिट कर रहा है, तो इफ को क्या बोलेंगे? इफ को क्या बोलेंगे? अगर वो एंट्री लोड था तो इफ को क्या बोलेंगे? इफ को बोलेंगे एग्जिट लोड परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय नैव। मल्टीप्लाई बाय नैव किया ना, प्रांजल के पापा ने कितना दिया? 2 टका, 100 रुपए का, 100 रुपए का 2 टका दिया ना, तो एग्जिट लोड परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय नैव। तो विद योर परमिशन मैं इधर लिखेगा भाई, रीपरचेज प्राइस तुमने डिराइव किया भाई, मैं तो खाली कठपुतली हूं, तुम जैफा जैफा बोल रहे हो, मैं वैफा वैफा लिख रहा हूं। 1 माइनस एग्जिट लोड परसेंट बोले तो राइट राइट गाइस, राइट गाइस, राइट गाइस, समझिगड़ू एवरीबॉडी। तो क्या आज अपन लोग ने सीखा, तुम लोग ने मुझे आज क्या सिखाया कि सुनो सर, अगर 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 आप कोई भी म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने जाओगे देन इन दैट केस एक होता है एंट्री लोड, एक होता है एंट्री लोड, दूसरा होता है एग्जिट लोड।
क्या आपको पता है इसको प्यार से क्या कहते हैं? एंट्री लोड को प्यार से कहते हैं, जैसे प्रांजल को हमने प्रांजू कहा, वैसे एंट्री लोड को अपन कहते हैं फ्रंट एंड लोड। क्या कहते हैं? फ्रंट एंड लोड। जैसे ठीक है ना, यहाँ पे आपको प्यार से कोई बुलाता होगा ना, आपको प्यार से कुछ अलग नाम से, बेबी सोना जानू, हाँ वैसे एग्जिट लोड को अपन बोल सकते हैं बैक एंड लोड। क्या बोलते हैं? बैक एंड लोड, है कि नहीं? समझ रहे, समझ रहे, समझ रहे, समझ रहे हो? गुड। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एंट्री लोड का फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यूचुअल फंड के लिए एंट्री लोड की एंट्री कौन कर रहा है? इन्वेस्टर एंट्री कर रहा है म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टर एंट्री कर रहा है म्यूचुअल फंड में। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी क्या कर रहा है? अपना यूनिट्स बेच रहा है, अपना यूनिट्स बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इसको क्या कहते हैं? इफको कहते हैं सेल प्राइस। इफको क्या कहते हैं? इफको कहते हैं सेल प्राइस। यस, क्या हो जाएगा मेरा सेल प्राइस? क्या हो जाएगा मेरा सेल प्राइस? सो मैं इधर लिखेगा भाई, सेल प्राइस इज इक्वल टू नैव 1 प्लस लोड पसंट। लोड बोले तो एंट्री लोड हो गया भाई। और एग्जिट लोड को क्या बोलते हैं प्यार से बाबू सोना? नहीं, क्या बोलते हैं? एग्जिट बैक एंड लोड। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रीपर्चेस। रीपर्चेस प्राइस इज इक्वल टू नैव 1 माइनस लोड परसेंट। ए समझी गई एवरीबॉडी? बोले तो जगास एवरीबॉडी। ओके ओके, अच्छा ये हो गया। अब इसी को मेरे को और थोड़ा इसी के साथ, इसी फॉर्मूला के साथ और थोड़ा खेलना है, तो मैं खेल सकता हूं कि नहीं? जरूर खेल सकता हूं। समझो, अब मेरे को कैलकुलेट करना है नैव, मेरे को कैलकुलेट करना है नैव, और मेरे पास इंफॉर्मेशन है सेल प्राइस और लोड का। तो कैफे कैलकुलेट करूंगा, तो मैं इधर लिख दूंगा सेल प्राइस डिवाइड बाय 1 प्लस लोड परसेंट। आता है कभी कभी ऐसा, इसलिए लिखवा रहा हूं, मजा नहीं आ रहा है। और दूसरा, अगर रीपर्चेस प्राइस करना है से नैव कैलकुलेट करना है, तो नैव इज इक्वल टू रीपर्चेस प्राइस, नैव इज इक्वल टू रीपर्चेस प्राइस डिवाइड बाय 1 माइनस लोड परसेंट। इधर चाहिए तो लिख देना भाई, ये लोड परसेंट फ्रंट एंड लोड है, क्योंकि अलग अलग होता है इसके लिए। ये बेसिकली है आपका फ्रंट एंड लोड परसेंट, फ्रंट एंड लोड परसेंट, और वो है बेसिकली आपका 1 माइनस बैक एंड लोड परसेंट। अरे समझो समझो, कभी कभी ऐसा हो जाएगा, बोलेगा लोड परसेंट कैलकुलेट करके बताओ रे। तो अब ये कैलकुलेशन बोलेगा वो आपको कि चल भाई फ्रंट एंड लोड परसेंटेज कैलकुलेट करके बता रहे भाई। तो ये तो अभी तुम लोग ही डिराइव कर लोगे ना, है कि नहीं? होशियार तो हो ही गए हो बहुत तुम लोग, फॉर्मूला के डिराइव करे बिना आगे नहीं बढ़ते। तो फ्रंट एंड लोड परसेंट इज इक्वल टू एंड बैक एंड लोड परसेंट इज इक्वल टू, कर लोगे क्या कैलकुलेट? चलो करके बताओ। मैथ्स है भाई और कुछ नहीं है। चलो एवरीबॉडी, यस करेक्ट। सो इट विल बी, बोलो बोलो, सेल प्राइस अपॉन नैव -1 एंड बैक एंड लोड परसेंटेज क्या आ जाएगा? बैक एंड लोड परसेंटेज क्या आ जाएगा? बोलो बोलो, चल चल। तो बैक एंड लोड परसेंटेज आ जाएगा नैव अपॉन रीपर्चेज प्राइस। बोलो यार, सर इधर मेरे लिए भरोसे में छोड़ा हुआ है, बोलो जल्दी।
इट इज 1 माइनस नैव अपॉन रीपर्चेस प्राइस. वेरी नाइस, गुड. ए समझ गुरु, ये देखो कौन से वाले का क्या बोल रहे हो तुम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को. कौन से वाले का क्या बोल रहे हो? चलो इसको इसको सर इसको ओपन करके दिखाओ ना. लो भाई ओपन करके दिखाते. नैव इज इक्वल टू रीपर्चेस प्राइस, रीपर्चेस प्राइस अपॉन वन माइनस बैक एंड लोड परसेंट. अब अपने को कैलकुलेट, तो इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेकर आओ, तो वन माइनस बैक एंड लोड परसेंट इज इक्वल टू रीपर्चेस प्राइस अपॉन नैव. इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेकर आओ ना, तो वन ये इधर आ जाएगा, तो वन माइनस और ये उधर जाएगा, तो बैक एंड लोड परसेंटेज बराबर की नहीं. ये इधर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा. समझे कि नहीं एवरीबॉडी? छापो, इनसे ये भी ना हो पाए. आए बड़े किधर गए अरविंद? हाँ सर दे दो रिफंड. इनसे एक मैथमेटिक चीज तो कैलकुलेट नहीं हो रही है. बोलो. चलो वन प्लस इसको बोलेंगे अपन फ्रंट एंड लोड परसेंट, वन माइनस बैक एंड लोड परसेंट. चलो छापो एवरीबॉडी. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, प्लीज लेट मी नो. इफ नॉट वी आर डन. अरे बाबा ये नहीं समझा ना तो इसका डेरिवेशन भी करके दिखाया है. आइडियली करना नहीं चाहिए मुझे, एक एक दिखा सकता हूं, ये भी करना नहीं चाहिए. साले फाइनल वालों तुमको प्लस माइनस आगे पीछे करना भी नहीं आता है. अगर नहीं समझा है तो मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है उल्टा हुआ होगा वो, ठीक है. चलो अभी डन एवरीवन. सो ये कंफ्यूजन, ये लोग का कंफ्यूजन है सर, इधर कंफ्यूजन है इनको, इधर कंफ्यूजन है. चलो इधर कंफ्यूजन है क्लियर करते हैं. रीपर्चेस प्राइस इज इक्वल टू रीपर्चेस प्राइस. मैं तुम लोग के भरोसे पे बैठा हूं यार, इसके लिए ये वाले के लिए तुम लोग के भरोसे पे बैठा हूं, तुम लोग मेरे भरोसे पे बैठे हो. चलो कर लेते हैं इधर ही. रीपर्चेस प्राइस इज इक्वल टू नैव मल्टीप्लाई बाय वन माइनस बैक एंड लोड परसेंट. बराबर है, ये इधर आ जाएगा. सो रीपर्चेज प्राइस अपॉन नैव इज इक्वल टू वन माइनस बैक एंड लोड परसेंट. फिर क्या होगा? अच्छा चलो अभी इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये वन माइनस वन हो जाएगा. इधर जाके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा. अभी कंफ्यूजन कहां पे है वो बोलो ना, सम सॉल्व करेंगे तो समझेगा. चलो छापो तुम लोग फटाफट. अच्छा अभी मैं क्या बोल रहा हूं, इतना पूरा एंड टू एंड छापोगे क्या? और टाइम जाएगा, क्या करोगे, पूरा करोगे क्या एंड टू एंड? बहुत टाइम चले जाएगा यार. जैसा तुम लोग बोलो, तुमको चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो तुम लोग कॉपी कर लोगे और अभी खाली मेन फॉर्मूला लिख ले तो ऐसा कुछ करे, और तुम लोग के पास ये नोट्स तो रह गई तो अपना टाइम भी बचेगा. हाँ बाद में लिख लोगे पीडीएफ से, बट प्लीज लिख लेना यार. मतलब कैसा है कि अभी तुम लोग लिखोगे मैं बैठा रहूंगा, वेस्ट ऑफ टाइम लगता है मुझे यार. तो वो मुझे लगता है कि यार टाइम यूटिलाइज हो तो बेटर है. तुम लोग बोलो वैसा. मेन लिख लेते हो चलेगा. अब मेन तो मैं लिखवा ही रहा हूं, फॉर्मूला तो जो भी है ना वो तो मैं लिखवा ही रहा हूं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है.
चल आ जाओ। कौन सा वाला फॉर्मूला दिखाओ, कहां से वाला दिखाओ, मेन वाला? तो एक तो ये मेन फॉर्मूला है, लिख लो। चलो ये एक मेन फॉर्मूला लिखा देता हूं, डेरिवेशन अपने पास है ही पूरा, ये एक मेन फॉर्मूला, दूसरा एक मेन फॉर्मूला, और बाद में लास्ट पेज पे सब डिराइव फॉर्मूला कॉपी। डन गाइस, डन। थिंक जानवी बोल रही है कि सर ये नया प्लस भी परचेज होगा क्या, एक बार कंफर्म कर दो ना। श्योर, चलो आओ इसको 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 क्रॉस वेरीफाई कर देते हैं, है कि नहीं? सी योर, ये देखो, नैव इज इक्वल टू रीपर्चेस, क्या प्राइस अपॉन वन माइनस बैक एंड लोड, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सो वन माइनस बैक एंड लोड इज इक्वल टू रीपर्चेस आरपी अपॉन नैव, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सो प्लस क्यों आ रहा है भाई मेरा? सो वन माइनस रिपर्चेज अपॉन नैव इक्वल टू बैक एंड लोड, सो बैक एंड लोड परसेंटेज का फॉर्मूला आ जाएगा वन माइनस रिपर्चेज प्राइस अपॉन नैव, इज इट राइट?
Somebody please confirm again. So ये हमारा बैक एंड लोड का फॉर्मूला आ रहा है. इज इक्वल टू वन माइनस रीपर्चेस प्राइस अपॉन नैप. चल हो गया डन ये वाला फॉर्मूला. तो अपन क्वेश्चन एंड आंसर्स करने अभी अपने को पांच छह मस्त एकदम स्मूथली हो जाएगा. ओके आई थिंक पब्लिक बोल रहा है मुझे सर हम लोग यही बोल रहे थे. ओके चलो डन हुआ एक बार कंफर्म करो तो मैं आगे क्वेश्चन एंड आंसर्स पे चलता हूं भाई. डन सब लोग बोल रहे डन. चलो ग्रेट अब मैं आप लोगों को कुछ इंस्टेंसेस दे रहा हूं आप लोगों को वो इंस्टेंसेस आप लोगों को वो इंस्टेंसेस सॉल्व करके बताने हैं. सबसे पहला इंस्टेंस कुछ एग्जांपल दे रहा हूं सब लोगों को वो सॉल्व करके बताना है. सबसे पहला इंस्टेंस है तो अगेन एवरीबॉडी हैज टू कैलकुलेट द नैप. मैं आपको दे रहा हूं फर्स्ट एग्जाम्पल में सेल प्राइस एंड आपको मैं दे रहा हूं साथ में एंट्री लोड परसेंटेज. तो समझो एंट्री लोड परसेंटेज है 5% सेल प्राइस है 14. क्विकली नैव कैलकुलेट करके बताएंगे आप लोग क्विकली नैव कैलकुलेट करके बताएंगे. याद रखना नैव कैलकुलेट करना है. बोलो क्या आता है. We have the formula available with us for NAV. Everybody tell me. Formula नहीं भी हो तो भी आप logically कर सकते हो. देखो logically कैसे करोगे. अगर मैं हूंगा तो logically करूंगा. Logically मतलब मैं mutual fund हूं. मैं mutual fund हूं मतलब मैं sell कर रहा हूं. मैं सेल कर रहा हूं मतलब सामने वाला परचेज कर रहा है. जब प्रांजल ने शेयर्स परचेज किए थे इंफोसिस के तो 100 रुपए प्लस उस 100 रुपए के ऊपर ब्रोकरेज किए थे. मतलब उसका फॉर्मूला बना था NAV प्लस ब्रोकरेज. मतलब बेसिकली सेल प्राइस इक्वल टू नैव इनटू 1 प्लस लोड परसेंटेज. तो नैव हो जाएगा सेल अपॉन 1 प्लस लोड परसेंटेज एंड वी विल गेट द आंसर राइट. सो मेरा फॉर्मूला बनेगा सेल प्राइस इज इक्वल टू नैव इनटू 1 प्लस लोड परसेंट. ठीक है फ्रंट एंड लोड परसेंट. Okay, अब अपने को नैव चाहिए. सो देयरफॉर नैव इज इक्वल टू सेल प्राइस 1 प्लस फ्रंट एंड लोड परसेंट. ओके सेल प्राइस सर ने दिया है 14. 1 प्लस फ्रंट एंड लोड है 0.05. सो 14 अपॉन 1.05 बोलो कितना आता है. आंसर इज 13.33333 सब लोग आया है. वेल द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नैव इज इक्वल टू रुपीज 13.3333. ए समझी गुडू एवरीबॉडी. चल ठीक है एग्जांपल नंबर 2 यहां पे मैं आपको दे रहा हूं रीपर्चेस प्राइस. दूसरा मैं आपको दे रहा हूं एग्जिट लोड परसेंट. एग्जिट लोड परसेंट इज 3% एंड रीपर्चेस प्राइस इज रुपीज 12. बोलो बोलो टेल टेल क्या आएगा. बोलो बोलो टेल टेल क्या आएगा. अगेन यहां पे भी फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे नैव इज इक्वल टू रीपर्चेस प्राइस अपॉन 1 माइनस एग्जिट लोड परसेंट
रिपर्चेज प्राइस है 12, एग्जिट लोड है 0.97 इज इक्वल टू, सो 12 डिवाइड बाय 0.97, सो इट विल बिकम 12.37 एवरीबॉडी, 3711। सो कैन आई से भाई ये मैंने क्यों किया है, मैं आपको कुछ एनालिसिस बताना चाहता हूं। देखो एज अ चार्टर्ड एनालिटिकल दिमाग होना ही चाहिए, मतलब दिमाग में नंबर घूमते ही रहना चाहिए, क्या हो रहा है, कैफे हो रहा है, किधर जा रहा है, कौन सी चीज, प्लीज बी क्लियर अबाउट दिस। मतलब नंबर दिखता है ना मेरे को तो मैं तो 100 चीजें दिमाग में लगाना चालू कर देता हूँ। दैट्स हाउ योर माइंड शुड बी, कीप इट ऑन वर्किंग मोड। सो अभी देखो इधर क्या हो रहा है, जब म्यूचुअल फंड कंपनी सेल कर रहा है, मतलब बेसिकली इन्वेस्टर परचेज कर रहा है, बराबर है, तो जब इन्वेस्टर परचेज कर रहा है तो उसको 13.33 का चीज के लिए 14 रुपए देना पड़ रहा है, समझे क्या, 13.3333 का चीज का उसको उसको 14 रुपया देना पड़ रहा है, समझ रहे हो तुम लोग, ये इंटरप्रिटेशन हुआ ना, बराबर है एवरीबॉडी, यस। एंड इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि जो चीज 12.3711 का मार्केट में बिक रहा है वो मैंने भी बेचा तो मेरे हाथ में जेब में नेट 12 रुपया आया, अभी क्लियर, करेक्ट। सो प्रांजल को वाला बात जो अपनी हुई थी वो एकदम क्लियर हो गई। सो फर्स्ट वाले का इंटरप्रिटेशन, एग्जाम्पल वन का इंटरप्रिटेशन क्या था कि मार्केट में जो चीज 13.33333 की है, जब वो मैं खरीदने को गया तो 5% ब्रोकरेज देना पड़ा, बराबर है, ये यही प्रांजल का एग्जाम्पल में ये परचेज प्राइस था, इसके ऊपर 5% मेरे को ब्रोकरेज देना पड़ा तो ये मेरा हो गया 14 रुपया। यही प्रांजल के एग्जाम्पल में, यही प्रांजल के एग्जाम्पल में जब मैं सेल करने को गया, जब मैं सेल करने को गया मार्केट में, तो जो चीज मार्केट में 12.3711 की है, मुझे बोला ब्रोकरेज दो उसके बाद पैसा काट के देंगे, तो 12.3711 -3% किया तो 12 रुपया मेरे हाथ में आया जेब में नेट। ए समझ गुड एवरीबॉडी, बोलो बोलो, चल चल, क्लियर विद दी एग्जाम्पल्स, क्लियर विद दी लॉजिक, क्लियर विद दी डेरिवेशन, सब चीज अपने को क्लियर हो गया है, राइट। सो आई होप वो ध्यान में रहेगा आप लोगों, जो फर्स्ट डे पे अपना डिस्कस हुआ था, फर्स्ट एग्जाम्पल देन कनेक्ट द कॉन्सेप्ट, तो अपन ने पहले एग्जाम्पल किया, कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला डिराइव किया, सो एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर सम सॉल्व करेंगे। तो चलो आओ